सीड जर्मिनेशन करने के काफी तरीके हैं। जी हाँ, उनमें से सबसे बेस्ट तरीका है कि पूरी रात भर आप बीज को भिगोएं। पूरी रात भर जब बीज अच्छी तरह से भीग जाएगा तो उसको नेक्स्ट मॉर्निंग 24 घंटे के बाद हमने फिर उन बीजों को अलग करना है। जी हाँ, कोई भी नैपकिन पेपर लाएं या टिश्यू पेपर लाएं, वैसे आप कपड़े में भी इन बीजों को भिगो सकते हैं। अगर आपके पास नैपकिन पेपर नहीं है तो कोई कपड़ा ले सकते हैं, कपड़े को अच्छी तरह से साफ करके गीला करके उस कपड़े में सारे के सारे बीज रख दें, या फिर जो आपके पास टिश्यू पेपर नैपकिन पेपर है उसमें बीज रख दें। उसके बाद उसको फोल्ड करना है अच्छी तरह, कोई बीज बाहर नहीं आना चाहिए। फोल्ड करने के बाद उस टिश्यू पेपर में या कपड़े को अच्छी तरह गीला करने के बाद, गीला ज़्यादा भी नहीं करना, मतलब नमी होनी चाहिए उसमें, और उसको मैं फिर उसी बर्तन में रख दूंगा, उसको ढक दूंगा अच्छी तरह से। उसको ढक दीजिए। जी हाँ, ढकने के बाद उसको 3 दिन के लिए कहीं भी एक ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ पे खिड़की में सबसे बेस्ट रहता है, जहाँ पे फ्रेश हवा आती रहे, अच्छी हवा आती रहे, उनको अच्छी हवा भी मिलती रहे। तो 3 दिन बाद फिर उन बीजों को मैं देखूंगा कि उनमें हुआ क्या, अंकुर आए हैं या नहीं है, फिर उनको चेक करना है। यस, उनमें अंकुर आए हैं तो सबसे बेस्ट है उगाने को। जी हाँ, तो अंकुर आए हुए जितने भी बीज हैं उनको मैं बो दूंगा। जी, और 10 दिन बाद आपके सारे के सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। जी हाँ, सबसे अच्छा मेथड यही है, इजी मेथड भी है, और इसमें आपको पता भी लग जाता है कौन सा बीज खराब है या नहीं है, वो आप साइड कर सकते हैं, और जो अच्छे अच्छे बीज हैं जिनमें अंकुर आए हैं उनको आप बो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।